स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और आज स्पॉटलाइट में है एक्शन एक्शन और एक्शन क्योंकि हमारे साथ है कमांडो 2। हमारे साथ है विद्युत जामवाल और आदा शर्मा और हम बैठे हैं एस्कोबार में। मेरे ख्याल में कमांडो 2 करते करते आप कमांडो की ही जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि ये अभी अभी दुबई से यहाँ अवतरित हुए हैं। कल रात 2 बजे तक जाग रहे थे और उसके बाद फिल्म का प्रमोशन करने के बाद सीधे यहाँ पे आ गए इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले ये जो लोग आए हुए हैं ये सारे के सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं आप दोनों से, और मेरे ख्याल में फिल्म देखेंगे तो इनको अदा के भी स्टंट देखने के बाद इनको लगेगा कि हमें भी कुछ इस तरह का कर लेना चाहिए। भाई आप सब लोगों को पता है ना खिड़कियों से अंदर आते हैं दरवाजों से अंदर लेकिन इस बार ये दरवाजे से अंदर आए। पर आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपने इस फिल्म के लिए 7-7 घंटे जो जितने भी अपने एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनको डिजाइन किया है, तो वो जो आइडियाज हैं वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि अक्सर हिंदी सिनेमा में लोग जो है हॉलीवुड सिनेमा से उठाते हैं, आप कहाँ से उठाते हैं? किसी ने मुझसे सवाल पूछा बाय द वे। यार मैं जब कभी किसी मॉल में जाता हूँ या कभी सिनेमा हॉल में जाता हूँ या किसी के घर में जाता हूँ तो मैं जब भी कोई चीज को देखता हूँ, जैसे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मेरा मैं थोड़ा जागरूक हूँ, ध्यान इधर उधर रहता है। वाह हिंदी भी बहुत अच्छी है, जागरूक हूँ, क्या तालियां। सो मैं देखता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि यार यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसमें से क्या किया जा सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या वेपन की तरह यूज किया जाता है। मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ लोगों को, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ एट अ बार इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैं थोड़ा ध्यान तो रहता है कि किस किस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी बड़ी घड़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी घड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा तो सारी लड़कियां जितनी भी हैं सब बड़ी घड़ी पहनना शुरू कर दें। अदा ने कुछ नहीं पहना हुआ है, उसके लिए मैंने पहनी हुई है। घड़ी की जरूरत नहीं, ये अपने हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं जब कमांडो साथ है तो घड़ी की जरूरत नहीं है। मेरे साथ होती है उसने घड़ी नहीं पहनती। नहीं, ओह नो आई वांटेड टू वेयर इट। तो हम बात ये कर रहे थे कि पहले ये बताइए कि आप किस तरह से तैयार करते हैं। आपने कहा आप जागरूक हैं, आप चीजें देखते हैं, मगर इस फिल्म के लिए क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि आप खिड़की से आएंगे तो वो होना ही था, 2-3 बार इस बार आए। इसके अलावा मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन लोगों की थी पहली फिल्म देखने के बाद और आपकी फोर्स भी देखने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई होगी लोगों की, तो मुश्किल था इसमें डिजाइन करना? यार मेरे पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी जब मैंने कमांडो 1 की थी। तो जब मैं प्रोड्यूसर्स को मिलता था, लोगों को एयरपोर्ट में मिलता था, मुझसे लोग बोलते थे आपने सब कुछ दिखा दिया अब क्या करोगे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब जो भी किया जाए वो पहले मैंने किया ना हो, और उसके बाद मैंने उस तरह से काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, चीजें देखना शुरू की, स्क्रिप्ट के बाद सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए। तो बस वैसी अपनी बात करिए, आपका एक्शन, आपने भी एक्शन किया है। हाँ पर मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ फिल्म में, तो मेरा मोस्टली एक्शन गन के साथ है, तो द रेस्ट ऑफ द एक्शन जब एक्चुअली होता है, मींस इफ आई एम एक्चुअली डूइंग स्टफ इज व्हेन गन्स आर नॉट अवेलेबल, तो आई फाइंड वन चेन और व्हाटएवर एल्स एंड आई हैव डन ऑल द एक्शन विद। बहुत मुश्किल है यार, इन्होंने हील्स में पता नहीं डायरेक्टर को, मैं पढ़ रहा था कि दिव्यन को क्या चाहिए था, 6-6 इंच की हील में भगा रहे हैं उनको। एक्चुअली नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थिंक इट्स भागने में यू वर हैप्पी, लुकिंग नाइस इन द हील्स आई वाज हैप्पी नंबर 1। भागने में इट्स टफ यार, टू रन विद हील्स ऑन अनइवन टेरेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ इट लुक्स नाइस इट्स वर्थ इट। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये भी एक्शन है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगली फिल्म में शायद करके देखेंगे, नहीं करना कमांडो 3 में ट्राई करते हैं। मुश्किल है, मुश्किल है ना। पर मुझे ये बताइए कि आपको सबसे मुश्किल इनका सीक्वेंस कौन सा लगा? आई हैव टू से आई नो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्शन एंड इट्स फिनोमिनल और सबको ट्रेलर्स में सब दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक आई हैव सीन, मैंने इनकी हर फिल्म देखी है, जो तेलुगु में भी किए है, जो तमिल में भी किए है, हिंदी में भी, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज दिस इज हिज बेस्ट फिल्म फ्रॉम ऑल द फिल्म्स ही इज डन येट। विद्युत आप 3 साल की उम्र से कर रहे हैं मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, और मतलब 3 साल की उम्र में ये बीच कहाँ से दिमाग में आ गया कि यार मुझे तो एक्शन करना है, और फिर ये कब आया कि मुझे एक्शन स्टार बनना है? यार दरअसल कई चीज़ें किस्मत से ही हो जाती हैं। आई एम बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे हम लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं, बट जैसे मेरे एक भाई भी हैं वो कुछ नहीं करते हैं, थोड़े साल उन्होंने किया फिर छोड़ दिया, मेरी सिस्टर ने भी छोड़ दिया, तो मैं लगा रहा और लगा रहा। मैं कई लोगों से मिलता हूँ और मुझे, मैं 90% यहाँ पे जितने भी लड़के हैं ये फिट हैं, देखो यार मैं 90 ये भी कमांडो दिख रहे हैं ना थोड़े से ये कमांडो का बेटर वर्जन दिख रहा है। He looks well rested and slim. So जब मैं लोगों को मिलता हूँ तो मैं यंगस्टर से पूछता हूँ, सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी चाहे 15 दिन 20 दिन के लिए मार्शल आर्ट जरूर किया था। आप लोग मानते हो? सबने किया हुआ। सो द ओनली डिफरेंस इज कोई 15 दिन के लिए करता है, कोई 2 महीने के लिए करता है, और कई लोग सिर्फ लगे रहते हैं। सो व्हेन यू डोंट गिव अप
you will become what you want to be. That's the only difference here. आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था कौन कौन मार्शल आर्ट जानते हैं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मिला देता हूँ. हाँ आइए जरा इधर इधर आइए. ये एक मार्शल आर्टिस्ट जो आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. हाँ क्या नाम है आपका नाम बताइए. प्रदीप है ना. और दूसरे किधर है. हाँ इधर. ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. सो इनको आप टिप्स दे दीजिए कि क्या क्या कर सकते हैं ये. बस लगे रहो यार और क्या बोल सकता हूँ मैं आपको. कुछ पूछना चाहेंगे आप. सर मूवीज में तो मार्शल आर्ट्स और स्टंट्स करते हैं लेकिन रियल लाइफ में आप एक्शन हीरो हो या रोमांटिक हीरो हो. रियल लाइफ रोमांटिक हीरो. अब बोल रही है तो सही होगा यार. फुल रोमांटिक हीरो. स्टैंप लगा दिया लड़की बोल रही है. एक बात बताना चाहता हूँ मैं. अगर सिनेमा में जब पिक्चर्स में मूवी में 15 लोगों को मारता हूँ मैं रियल लाइफ में भी रियल फाइट में भी मार सकता हूँ. मतलब यार नॉर्मली मैं एक्टर्स को देखता हूँ हॉलीवुड में भी आप लड़की के लिए 10 लोगों से लड़ रहे हैं यहाँ मारा वहाँ. मैं रियल लाइफ में भी लड़की या किसी के लिए अगर इफ आई हैव टू स्टैंड अप आई विल फाइट 15 पीपल. कभी रियल लाइफ में ऐसा बहुत हुआ? बार पूरी जिंदगी यही किया है यार. कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए. पूरी जिंदगी यही किया है. इनफैक्ट बॉम्बे का बता देता हूँ. मैं जुहू बीच में प्रैक्टिस करता था एक्टर बनने से पहले. मेरे दोस्त हैं जिनके से मैं ट्रेनिंग करता हूँ काफी सारे लड़के. सो वहाँ पे एक फुटबॉल टीम थी. तो आप जुहू में अगर आप गए हैं तो आप देखेंगे अगर आप उनके बीच में आ जाएंगे तो गुस्सा हो जाते हैं बॉल बूल मार देते हैं. सबने एक्सपीरियंस किया होगा राइट. और ऐसे करके देखते हैं. सो हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं. हम जब एक्रोबैटिक्स करते थे अवॉइड करते थे. एक बार लड़ाई हुई थी. पूरी टीम थी और हर टीम में 11 मेंबर्स होते हैं. तो हमने पूरी टीम के साथ लड़ाई की थी और हमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं था. कितने लोग थे आप. हम दो ही थे मैं और मेरा दोस्त था. दोनों मिलके सबको. हाँ यार दरअसल बात ये होती है कि लड़ने वाला 50 के ग्रुप में या 20 के ग्रुप में सब जानते हैं बातें यार. एक दो ही होते हैं. और अगर आपको एक साथी मिल जाए जो आपका साथ दे दे कोई टेंशन नहीं. अच्छा अदा मुझे आप बताइए कि सेट पे नो डाउट फिल्म में एक्शन इनका देखते हैं लोग बट सेट पे जो बाकी लोग थे वो डरे हुए रहते थे नहीं रहते थे. हाँ थोड़ा सा. थोड़ा सा. थोड़े से. ये थोड़े इंटिमिडेटिंग हो सकते. सी हाउ ही इज लुकिंग. नहीं ही इज वेरी नाइस इफ ही इज इफ यू आर ऑन हिज गुड. आई एम ऑन हिज गुड साइड करंटली टुडे. आई होप यस्टरडे एंड टुडे आई बीन ऑन हिज गुड साइड. इफ यू आर ऑन हिज बैड साइड ही इज अ लिटिल इंटिमिडेटिंग. क्या है बैड साइड. मतलब किस तरह से किस बात. भाई मैं भी सुनना चाहता हूं दरअसल. गो ऑन फिनिश टुडे बैड साइड. किस बात पे. किस बात में. नो इफ ही इज नॉट एंजॉयिंग समवनस. यार आई पर्सनली बिलीव दैट जैसे यहां पे सब लोग हैं अगर मुझे किसी से नेगेटिविटी आती है so I would want to not have that person over here. So I personally believe in that. अभी आ रही है किसी से. बिल्कुल भी नहीं. नहीं आ रही. ठीक है. So yaar like why not have a very happy environment and if somebody is bothering you just make sure you tell them yaar. आप डांसर हैं और डांस और एक्शन में एक बहुत कॉमन थ्रेड होता है वो इस्तेमाल कहीं हुआ क्योंकि जो डांसर उसकी बॉडी खुली हुई है. हां मैं कथक करती हूं so my legs are very strong. तो हील्स में इट्स इजीियर टू रन देन. तो माइकल जैक्सन तो बहुत तगड़ा एक्शन करता होगा यार. हो सकता है मुझे पता है. ऑन हील्स इफ यू गिव हिम आई एम श्योर. हैव यू सीन हिम डांसिंग विद हील्स. नो नो ही इज ग्रेट बट आई एम जस्ट आस्किंग यू. ये बोल रहे हैं जो डांसर. नहीं नहीं मैं कहता हूं एक कॉमन थ्रेड होता है बॉडी खुली हुई होती है. सो अगर वो आप सोच लेता कि मुझे मार्शल आर्ट्स बनना. जैसे अगर आप सोच लें कि आप माइकल जैक्सन बन जाएं. चांस ही नहीं है. चांस ही नहीं है. चांस ही नहीं है. आई थिंक अगर आपने अभी अभी करा लेंगे कोई बात नहीं. आई थिंक आपने अगर कोई भी फिटनेस का ये किया है इट्स इजीियर टू लर्न अनदर. लाइक सपोज आपने कथक सीखा है तो इट्स इजीियर टू लर्न साल्सा लाइक दैट. एक्टिंग के लिए भी आसान है. अभिनय साइड ऑफ इट बिल्कुल मत करना. हीरो ने ऐसे करके देखा. रियल लाइफ में आई डू यू नो दिस. रियल लाइफ में मैं करती हूँ फुल ओवर एक्टिंग. इन मूवीज आई ट्राई टू डू एज सटल एंड बी एज नेचुरल. असल में आप मतलब बहुत लाउड करती है फिल्म. इस फिल्म में स्पेशली क्योंकि वो एक्सेंट भी है तो इट शुड बी. आपका डायलॉग बड़ा कमाल का है. सुनना चाहेंगे आप लोग. या लड़कों ने बहुत जोर की बोला है. टू ऑल द बॉयज नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेगा ना तो मैं बोल रही मेरे को जबरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से और मैं होठों पे चपका दूंगी एक दो. कमांडो 2 कमांडो की जिंदगी आपने आप मार्शल आर्टिस्ट लेकिन उनकी जिंदगी आपको पता थी किस तरह का काम उनका होता और इस फिल्म के दौरान आपने कुछ चीजें सीखी उनसे या कोई एक ऐसा ट्रेनर अक्सर ऐसी फिल्मों में होता है सेट्स पे ऐसा था कुछ. यार दरअसल मेरे फादर इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे एंड मैं बचपन से आर्मी में रहा हूँ और आर्मी पर्सनल को देखा हुआ है. मैं समझता हूँ किस तरह का हैं लोग. मैं इनफैक्ट अभी हम दोनों जोधपुर गए थे और हम BSF कैंप में आर्मी कमांडो से मिले थे. सो मेरे लिए एक बहुत कम्फर्ट जोन है यार. जब मैं उनको मिलता हूँ तो चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो मेजर जनरल हो चाहे वो एक जवान हो मेरे लिए इक्वल है बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विद देम. सो जैसे इनफैक्ट मैं अभी हम बात कर रहे थे फ्लाइट पे कि शी वाज टेलिंग मी कि विद यू यू कैन जेल विद एनीबॉडी.
आई थिंक बिकॉज ऑफ द आर्मी बैकग्राउंड मैं एक चाय वाले के साथ घंटों बैठ सकता हूँ और एक मैं 7-star होटल में काफ़ी देर बैठ सकता हूँ. सो आई थिंक दैट कम्फर्ट जोन मेरा शुरू से था. आर्मी पर्सनल्स को देखा हुआ है, एयरफोर्स पर्सनल्स को देखा हुआ है. सो आई थिंक आई वॉज ऑलवेज इन द जोन.